यहाँ देखिए सारे कपड़े मैंने अरेंज करके रखे हुए हैं, और ये कोई भी कपड़ा प्रेस कराया हुआ नहीं है। इसे मैं सिंपल तरीके से किस तरह आपको फोल्ड करके रखी हूँ, इसके लिए आप कंटिन्यू वीडियो पे बने रहिए और देखते रहिए। आप देख सकते हैं कितने बारीकी से मैंने सारे कपड़ों को रखा है। यहाँ पे देखिए जिस तरह की समस्या होती है कि हम बनियान बच्चों के या अंडर गार्मेंट्स कहाँ रखें, तो इस तरह हैंगर में करके इसी तरीके से आप रख सकती हैं। और ये क्या होगा कि हैंगर में साइड में रहेगा भी और इसी तरीके से आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये हमारे जो इनर होते हैं या हमारे जो बच्चों के बनियान होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे अक्सर मिस कर जाती हैं जबकि कपड़े पहनते वक्त बच्चों को ढूंढना पड़ता है। तो इस तरह आप हैंगर में करके रख सकती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे मैं आपको एक टी शर्ट फोल्ड करके दिखाती हूँ कि किस तरह मैं बिना प्रेस किए कपड़े को फोल्ड करती हूँ। तो कोई भी कपड़ा फोल्ड करने से पहले उसको इस तरह फैला लीजिए, ये देखिए इस तरह, और उसको अपने हाथों से इस तरह क्लीन करके, और उसके बाद जब आप इसे फोल्ड करेंगी तो ये कपड़ा बिल्कुल प्रेस किया हुआ जैसा लगेगा, क्योंकि ये सारे सारे डेली वेयर के कपड़े हैं, तो इसे हम डेली प्रेस कराने में असमर्थ रहते हैं, संभव नहीं हो पाता है डेली प्रेस कराना। तो ये देखिए, और सिंपल तरीका है, आप प्रेस करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसे आप प्रेस करके और हैंड की हेल्प से इसे स्लिप कराते हुए इस तरह, ये देखिए इस तरह खींचिए, और अच्छी तरह से हम इस तरह अपने हैंडों से क्लीन करते रहेंगे, और उसके बाद बारीकी से इसको फोल्ड करेंगे, और उसके बाद इस तरह हाथों से आप इसको चिकना करते रहिए। तो ये देखिए, अब आप सोचिए होंगे कि ये करने में बहुत टाइम लग रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप कपड़े फोल्ड करेंगे डेली तो आपको हैबिट हो जाएंगी, तो इस तरह बस आपको कर लेना है। नॉर्मल भी कपड़े हम इस तरह फोल्ड करते हैं। तो ये देखिए इस तरह मैंने सारे कपड़े फोल्ड करके रखे हैं, और ये सारे आप देख सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता कि एक प्रेस कराए हुए कपड़े नहीं हैं, और अच्छी तरह इसे हम रख भी सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जैसे कि हमारे इनर होते हैं, तो इन्हें भी हम बारीकी से इस तरह फोल्ड करेंगे। कैसे हम फोल्ड करेंगे, हमारे कबर्ड में जगह कम ये जाए इसमें, तो इसको इस तरह फोल्ड कर लेना है आपको, बारीकी से देखिए करना है। अगर आपके पास स्पेस कम है तो थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, और इस तरह पतले साइड से फोल्ड कर लेना है आपको, और इस तरह फोल्ड करके रख लेना है। अब इनको एक साथ हम हैंगर में करके रखेंगे, और ये खास तौर से आपके बच्चों के निक्कर पैजामे या जो भी हो, तो इनको कैसे रखा जाए, क्योंकि बच्चों के कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, और इन्हें अगर अलमीरा में हम अलग अलग रखेंगे तो फिर क्या होता है कि पूरा अलमीरा जो कवर्ड है वो भर जाएगा, और आसानी से कपड़े नहीं मिल पाएंगे, या जब आप कपड़े निकालने जाएंगी तो वो कपड़े आपके सारे बिखरे हुए नजर आएंगे। तो इस तरह आप सारे कपड़ों को सबसे पहले फोल्ड कर लीजिए। यहाँ पे मैं एक एक कपड़े को आपको दिख रही हूँ, देखिए सारे कपड़े आपको लग रहे हैं, यहाँ जैसे यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ अंडरवियर दिखा रही हूँ, तो ये बच्चों के अंडरवियर आप किस तरह ऐसे फोल्ड करके, और इसको दो बार अगर आप फोल्ड करेंगी तो इसके साइजेस जो है छोटे हो जाएंगे, ये देखिए। तो उसके बाद इन सारे देखिए बच्चों के शॉर्ट्स हैं जो, तो सभी को सेम चीज़ में फोल्ड करना है। अगर शॉर्ट्स हैं बच्चों के तो इस तरह आप फोल्ड करेंगी तो जो स्पेस है इसका कम लेगा आपको कवर्ड के अंदर, तो इस तरह इसको फोल्ड करके और रखेंगे। इससे क्या हुआ कि आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैं फोल्ड कर रही हूँ, तो कपड़े आपको प्रेस करने या कराने की ज़रूरत नहीं है, ये देखिए इस तरह हम करके। देखिए सारे कपड़ों को मैंने जमा दिया है, और आप देख सकती हैं कि लग रहे हैं ना बिल्कुल प्रेस किए हुए कपड़े, तो बहुत सिंपल है इन सभी को इस तरह करना। आप देख सकती हैं सारे कपड़ों को मैंने इस तरह करके जमा दिया है, ये देखिए। अब इन्हें क्या करना है कि बस हमें सेट करना है कि इनको किस तरह रखें। तो अब मैं आपको सिंपल सा तरीका बताऊंगी कि इनको हम कैसे आलमीरे में सेट करेंगे, क्या चीज़ कैसे रखें कि इजी तरीके से मिल जाए, और जब कपड़े हम निकालें तो वो कपड़े हमारे खराब भी नहीं हो। तो इस तरह आप इजी तरीके से, जब आपके पास प्रेस करने का टाइम नहीं होता है, क्योंकि डेली वेयर के जो कपड़े हमारे हैं हम उनको इस तरह प्रेस करने के लिए डेली देंगे तो ये काफ़ी खर्चा हो जाएगा इससे। लेकिन अगर हम थोड़ी सी मेहनत करके इन्हें फोल्ड कर दें तो कपड़े इस तरह, तो ये बिल्कुल प्रेस किए हुए लगते हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं सारे कपड़ों को। तो ये बहुत ईजी है इस तरह से करना, ये देखिए सारे कपड़ों को मैंने फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कवर्ड बहुत छोटे हैं, क्योंकि पिछली बार जब मैंने कपड़े रखे थे तो आप लोगों की शिकायत थी कि इतने बड़े कवर्ड में तो कोई भी कपड़ा रख ले, लेकिन यहाँ पे देखिए स्पेस मेरे कवर्ड में बहुत कम है, क्योंकि
कपड़े रखने के लिए जगह कम है, क्योंकि इसमें जो पार्ट बनाया रहता है कबर्ड में वो नहीं बनाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे ये अपने जो सूट हैं जिनको कि मैं कम यूज़ करती हूँ, तो इन्हें इस टाइप में सेव कर रही हूँ। तो आपको इस तरह कपड़े फोल्ड करने से क्या होगा कि बारीकी से आप कपड़े अलमीरा में शिफ्ट कर पाएंगी। तो इस तरह यहाँ देखिए मैंने कपड़े अरेंज किए। तो आपको क्या करना है कि ऐसा नहीं है कि सूट, टी शर्ट, टॉप्स, पैंट सब एक ही में रख देना है, आपको अलग अलग पार्ट में करके रखना है। और उसके जो साइज है इस तरह रखिए कि आपके कबर्ड में अच्छी तरह आपके कपड़े जो हैं वो आ जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह अरेंज किया है। नीचे मैंने चादर अरेंज करके रखा है। आप देख सकती हैं कबर्ड में मेरा सिर्फ दो पार्ट है, अप एंड डाउन। तो इन दोनों में ही हमें घर के सारे कपड़े मुझे अरेंज करने हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले सूट रखा है, उसके बाद मैं अपने टॉप रखूँगी। ये देखिए, तो इस तरह करके मैं सारे कपड़े को इसमें अरेंज कर लेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होते हैं कि पिछली बार भी बहुत लोगों ने, तो खैर मेरे इस जो डेकोरेशन मैंने बताया था अरेंज करना कपड़ों को, तो बहुत लोगों ने तारीफ़ भी की थी। कुछ लोगों को हो सकता है मेरे जो तरीके थे अच्छे नहीं लगे थे, या बहुत लोगों को पसंद नहीं आई थी, बट जिन लोगों को पसंद आई थी उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों को नहीं पसंद आई थी उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे देखिए मैंने सूट रख लिया है, अब यहाँ पे मैं टॉप रखूँगी इस तरह। तो यहाँ पे मैं और भी कपड़े जो है, ये देखिए जो चुनरी होते हैं, दुपट्टे और टॉयल होते हैं, तो यहाँ पे ये सारे मेरे टॉप हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे कपड़े निकल गए थे जिसमें से कि मुझे और भी कपड़े इसमें से हटाने हैं। और कबर्ड में उतने ही कपड़े आप रखें जितना कि आप यूज़ करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं जब कबर्ड खाली कर रही थी तो मैंने सारे कपड़े को इसमें ही रख दिया। तो इसमें मेरे कुछ ऐसे कपड़े भी हैं जो मेरे यूज़ के नहीं हैं, जो बहुत पुराने हो गए हैं, तो उनको मैं अभी जब दिवाली की सफाई करूँगी तो उन सभी को मैं निकालूंगी इसमें से, फिर उसे मैं अपने मेट को या जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको मैं दे दूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे अपने कैप्री और पैंट रखूंगी। तो पैंट के ऊपर आप अपने कैफरी वगैरह रख सकती हैं, या आप कोई टॉप वगैरह भी रख सकती हैं, क्योंकि बाहर हमें हमेशा जाना नहीं होता है, और घर में मैं पैंट पहनती नहीं, तो मैं सिर्फ कैफरी वगैरह ही पहने रहती। जींस का यूज़ मैं सिर्फ बाहर जाते वक्त ही करती हूँ, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता घर में पहनना। तो ये देखिए तरह मैंने कपड़े जमा दिए हैं, और यहाँ पे मैं इसके पैंट के ऊपर अपने कैफरी जमा रही हूँ, क्योंकि ये डेली यूज़ के लिए है, तो थोड़े से स्पेस बचे हैं। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के कपड़े अरेंज करूँगी, ये देखें इस तरह। तो क्योंकि पिछली बार भी क्वेश्चन थे बहुत लोगों के कि आप अपने हस्बैंड के कपड़े कहाँ रखती हैं, तो एक्चुअली हम मेरे हस्बैंड जो हैं वो काम के सिलसिले में बाहर जाते आते रहते हैं, तो उनके सारे कपड़े नहीं रहते हैं यहाँ पे, तो इस वजह से उनके कपड़े मेरे कपड़े से कम है। नहीं तो आप लोगों के फिर से क्वेश्चन आएंगे कि आपने अपने कपड़े आपके ज़्यादा हैं और आपके हस्बैंड के कम हैं। तो ये देखिए मैंने कुछ इस तरह सेट किया है। ऊपर एक आप देख सकते हैं हैंगर लगा हुआ है, तो वहाँ पे मैं कुछ अपने जरूर। तो अब बात करते हैं कि मैं दुपट्टे फिर होते हैं कपड़े में, कि दुपट्टों को हम कहाँ रखें, क्योंकि इसलिए दुपट्टे जो हमारे हैं अगर कपड़ों में हम रखेंगे तो फिर निकालते वक्त ये खराब हो जाते हैं। तो इसको आपको क्या करना है कि पतले पतले इस तरह फोल्ड कर लेना है और इन्हें लगाना है हैंगर में। तो इस तरह हैंगर लेंगे और ये दुपट्टों को इस तरह हम सेट कर लेंगे इस तरह, और साइड में कर लेंगे, और दूसरे साइड में भी इसी तरह। जो दुपट्टे हैं पतले पतले करके अगर आप रखेंगी तो एक ही हैंगर में बहुत सारे दुपट्टे आएंगे आपके, क्योंकि डेली तो बाहर जाना होता नहीं है, तो दुपट्टे का यूज इस तरह अगर आप रखे रहेंगे तो आपके कवर जो हैं वो गंदे नहीं होंगे। ये देखिए, तो इस तरह से करके और आप इजी तरीके से अपने कबर्ड में इसे इस तरह डाल सकते हो। तो ये क्या होगा कि आपके बेकार भी नहीं होंगे और आपके जो दुपट्टे हैं वो सही हो जाएंगे। उसके बाद हमारा कबर्ड में होता है कि साड़ी। तो आमतौर से हम साड़ियों को क्या करते हैं, कबर्ड में लंबे लंबे करके हम टांग देते हैं, जिससे कि पूरा कबर्ड जो है हमारा वो फुल हो जाता है। तो आपको क्या करना है, साड़ी अगर आप रखती हैं डेली वेयर में यूज करती हैं, तो इस तरह आपको बिल्कुल फोल्ड कर लेना है
और उसके बाद आपको इसको हैंगर में इस तरह छोटे करके और इसको इस तरह सेट कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि इसके लेंथ जो है वो कम हो जाएंगे। लेंथ कम होने की वजह से आपके कवर्ड में काफी स्पेस बचेंगे, जिससे कि पूरा कवर्ड आपका भरा भरा नहीं लगेगा। मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह। तो इस तरह इस ऊंचाई में आप बहुत सारी साड़ियां रख सकती हैं। यहाँ देखिए सारे कपड़ों को मैंने अरेंज कर लिया है और कितने अच्छे से कपड़े ऑर्गेनाइज करके रखे हैं मैंने, क्योंकि स्पेस इसमें कम है। तो ये देखिए पीछे साइड में मैंने चादर रखे हैं, बेड चादर, जो कि आप देख सकते हैं स्पेस बहुत कम है। अगर मैं कपड़े इसके ऊपर रखूं तो फिर चादर अगर निकालना हो तो पूरे कपड़े ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने इसे रखा है। तो यहाँ देखिए इस तरह ये बच्चों के कपड़े हैं। तो ये मेरी बेटी है, उसके फ्रॉक है, यहाँ पे उसके शॉर्ट्स हैं, और ये उत्सव के टी शर्ट हैं, पैंट है, और यहाँ पे शर्ट है। तो सारे कपड़े को मैंने इस तरह रखा है जिससे कि इस तरीके से बच्चों के कपड़े मिल जाए। और पीछे साइड में मैंने चादर रखा है, क्योंकि चादर तो आप वैसे भी डेली यूज़ करते नहीं हैं। और ऊपर में मैंने कपड़े रख लिए हैं, आगे में आप देख सकते हैं मैंने टॉवल रखे हैं। तो और ऊपर में मैंने सारे कपड़े रखे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह मैंने रखे हैं और क्या रखे हैं। तो यहाँ पे दुपट्टे रखे हैं मैंने, यहाँ पे ये बच्चों के कपड़े हैं, यहाँ पे बनियान हैं, उनके अंडरवियर्स हैं, जो कि इजी तरीके से उनको मिल जाए, क्योंकि आप देख सकती हैं कि इसमें उसके बाद यहाँ पे जगह जो है वो कुछ और नीचे रखने की जगह नहीं है। अगर इन सारे कपड़ों को आप नीचे तो पूरा कवर भरा भरा सा लगने लगेगा। तो इस तरह आप हैंगर में करके और बहुत ज़्यादा कपड़े आप इस तरह इसमें रख सकती हैं, और इसी तरीके से आप जब चाहे आप कपड़े निकाल सकती हैं। तो यहाँ पे साड़ियाँ, पेटीकोट्स आप देख सकते हैं इस तरह मैंने किस तरह अरेंज किया है, क्योंकि ये देखिए घर हमने जो था वो हमने चेंज कर लिया था, तो वो वाले